दिन 23 दिन में क्या पता नहीं चल सकता अगर कोशिश इंसान करे तो। क्या एक इंसान कर रहा, दो इंसान कर रहे, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर कोशिश करता तो मुजरिम अब हमारे सामने होता था। सभी के पास हमारी बात पहुंची। बड़े वीआईपी पर्सन का बच्चा होता तो यही हाल होता था, ऐसे ही बैठते थे 23 दिन कुछ नहीं करके। तो हम लोग गरीब है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हम लोगों किसी चीज का इल्म नहीं है। बल्कि ऐसा हो रहा हमारे साथ, एक मासूम बच्चा है, उसका दर्द करो, उसकी तकलीफ को समझो। तुम लोग भी माँ बाप है ना। हाँ, अगर अपने बच्चे के साथ ऐसा होता तो बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं कर सकते। बच्चा हमारा गया, हम लोग को तकलीफ है। किस तरह से बेसुकूनी के आलम में हम रह रहे हम जानते, अब तक नहीं है। क्या करें, कैसे? माँ बाप अब तक सुकून चैन में नहीं है। वो लोग कुछ बोलने के काबिल है? आप खुद इंटरव्यू ले रहे, वो लोग बोलने के काबिल है कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे वो? किस तरह से मारे, ऐसे करे? पुलिस खामोश बैठी है, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। यही बात क्या करना है? उनके पास जो है इनसे मिलो, ये करो वो करो, सब क्या है तसल्ली दे रहे, बैठ जा रहे। अब तक ढूंढना चाहिए था एक छोटा, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढ सकते, नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आ गई, कई सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते। कई सारे ऑफिसर होंगे इंटेलिजेंट, डिपार्टमेंट में नहीं है, उनका इस्तेमाल करो, इंसाफ दिलाओ। आपके लिए एक चैलेंज है, आप एक 2 साल के बच्चे के कातिल को नहीं ढूंढ सक रहे। हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। गुलबर्गा पुलिस शेम 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 शेम। बच्चों के खून की होली बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमिल हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। जमिल के कातिलों को अरेस्ट करना होगा, करना होगा। Shame, 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 shame. The artistic chairman, shame, 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 shame. शर्म करो, दो दिन में पकड़ते छोटे बच्चे के खातिर को नहीं पकड़ रहे। क्या बोलेगा? 23 दिन गुजर गए, अभी सॉरी पुलिस आएगी, गुलबर्गा पुलिस। हम जीना मरने के बराबर हो गया। बोलो जी बाजार। आज 23 दिन गुजर चुके हैं, मुजम्मिल के कातिलों का कोई पता नहीं चल रहा है। तो अब तक पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? हमारी फैमिली तो रेगुलर पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हमारी फैमिली पुलिस के पास गई नहीं और कुछ पूछे नहीं। हम खुद पुलिस से ज्यादा कोशिश कर रहे, फुटेज देख रहे, हर तरह की कोशिश करके जाके उनको इन्फॉर्म कर रहे, फिर भी पुलिस नाकाम है। क्या है इसके पीछे? एक मासूम बच्चे की तकलीफ जिस तरह से हुई है उसका उनको एहसास नहीं है। सिर्फ हम घर वालों का बच्चा चला गया, हमें इस बात की तकलीफ है। क्या कर रहे इस मासूम बच्चे के कातिलों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? अगर उनसे नहीं होता है तो ये केस जो है ना किसी और के हैंडओवर कर दीजिए। हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। मेरा जा रहे हैं, हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं, बता रहे हैं, बताने के बाद भी कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। खाली देख रहे हैं, देख के चुप बैठ रहे हैं वो लोग। अभी कलेक्टर खाली आ रहे, बोल रहे, जा रहे, खाली अभी तक क्या भी उनका रिस्पांस नहीं मिला अभी हमको। कुछ भी आ रहे नहीं, कर रहे नहीं, आ रहे खाली बोल के जा रहे हैं। सब कभी भी कॉल करो, वो करो, बोल रहे, बस कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। किसी से भी बात नहीं करे अभी। खुद एमएलए आए थे उस दिन जब बच्चे की लाश लेके आए थे, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे। कनिष फातिमा एमएलए साहिबा खुद आई थी यहाँ पे। कहाँ है? उसके बाद अब तक पता नहीं चला ना। जिस तरह से उसे मारा गया था, जिस तरह से उसका कत्ल किया गया था, तमाम फोटोज, तमाम वीडियोस पोस्टमार्टम में साबित हुआ था कि उसका कत्ल हुआ है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर गुलबर्गा पुलिस इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी के जो इंचार्ज पी आई है, वो पी आई साहब पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो है उस कत्ल को
174C यानी के सस्पेक्टेड डेथ के नाम से केस बुक किया जाता है। ये यहाँ की गरीब आवाम के साथ पहली नाइंसाफी है। जो MLA हैं, जो MP हैं, उनका काम रोड बनाना, नाली बनाना, पीने का पानी देना, लाइट देना, ये नहीं है। ये हमारे बेसिक प्रॉब्लम है, हमें हमेशा मिलते रहेंगे। ये लोग ना करें काम तो भी मिलते रहेंगे, लेकिन हमें ऐसे चीजों में क्राइम को कम करने में MLA का काम होता है, क्राइम रेट कम करने में MP का काम होता है, पुलिस प्रशासन से उनका मिलाव रहना चाहिए, लेकिन ये लोग आज कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें अपना परसेंटेज मुबारक है, ये परसेंटेज खाकर हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से मरने छोड़ रहे हैं। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये रीति और बिट्रे मुझे इंतु कार प्रोत्साह को सरकार, आदि सरकार बेगने इंत वो समाज घातकर मेले बेगने और मेले क्रम कईगंत ना टी वि मुखातर आग्रहस्तनी। ये फैमिली को हम अभी तक जस्टिस नहीं दिला, हम फेलर हो चुके हैं। हम इस फेलरी को हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। मेरी जो जितनी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो जिम्मेदारी है हम बाखूबी निभा रहे हैं। कल हमारे MLA साहब जो कनीस फातिमा गुलबर्गा आने के बाद हम इस फैमिली से बुलाकर हम बात भी करें और कमिश्नर साहब से और ACP साहब से हम अल्टीमेट एक टाइम भी दिया है कि इस केस को आप हैंडल नहीं करेंगे तो डेफिनेट हमारे को CID को ये केस हम फॉरवर्ड करेंगे।